योगी सरकार के सिंचाई एवं यांत्रिक मंत्री धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि समीक्षा बैठक में जनपद की कानून व्यवस्था, महिला अपराध नियंत्रण, अवैध खनन व कमजोर वर्ग पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया तथा सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का निर्देश है कि केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को सभी अधिकारी धरातल पर लागू करें तथा जिले की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाएं। सिंचाई एवं यांत्रिक मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाल विकास, कृषि, खाद एवं रसद, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खाद एवं रसद के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जन शिकायतों का निस्तारण की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि सरकार की मंशा रूप रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाए तथा ग्रामों का ऊर्जीकरण, सौभाग्य योजना के अंतर्गत नए विद्युत कनेक्शन मुहैया कराए जाएं तथा उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगले 3 महीने की कार्य योजना बनाकर कार्य करें और विकास के कामों में तेजी लाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, गोवंश आश्रय स्थल, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, आयुष्मान भारत, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बीज व उर्वरकों की उपलब्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए, प्रोबेशन व समाज कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण विभाग में लंबित पेंशन आवेदनों को 1 माह के भीतर निस्तारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूपी सरकार के सिंचाई एवं यांत्रिक मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, आज जिले के समस्त जिले से संबंधित अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक थी, जिसमें जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित शासन की प्राथमिकता 2 है, नंबर 1 विकास, नंबर 2 सुरक्षा। जनपद गोरखपुर में वास्तव में 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संपूर्ण प्रदेश का विकास किया है, वो तो किया ही है। गोरखपुर का में आमूलचूल परिवर्तन करके विकास किया है। जो काम 70 वर्ष में नहीं हो पाया वो काम 2 वर्ष में करके दिखा दिया है। यहाँ आज जिला प्रभारी मंत्री होने के नाते 50 लाख रुपए तक से ऊपर के काम, जो धन होने के बाद भी जिनमें काम नहीं किया गया है, समीक्षा की। जैसे चिड़ियाघर का निर्माण है, चिड़ियाघर का निर्माण जुलाई में पूरा हो जाना चाहिए था। आज की समीक्षा में उन्होंने कहा कि इसको हम दिसंबर तक ही पूरा कर पाएंगे, धन भी उपलब्ध है, रिवाइज एस्टीमेट की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमने उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और स्पष्टीकरण मांग कर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पीडब्ल्यूडी का काम भी मंद गति पर है, धन होने के बाद भी सड़कों के निर्माण के कार्य में तीव्रता नहीं है। राज्य योजना की सड़कें, स्टेट सेक्टर की सड़कें जो बन जानी चाहिए थी वो नहीं बन पाई हैं। स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में हर घर में शौचालय हो, शेष घर जो रह गए मुख्य विकास अधिकारी को कहा है कि उसको पूरा करा लें, कोई भी घर ऐसा ना रहे जिसमें शौचालय का निर्माण ना हो। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
आवासों के निर्माण में थोड़ी बहुत शिथिलता पाई गई थी, उसको निर्देशित किया गया है कि आवासों को का निर्माण पूरे करें। साथ ही आवास में कोई धांधली नहीं होना चाहिए, आवासों के पात्रों का चयन ठीक से हो, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है कि देश में कोई भी आवासहीन ना हो, सबके सर पर छत हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में उस अनुसार कार्य करना प्रारंभ किया है। राशन वितरण प्रणाली पर भी, हालांकि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया है, फिर भी अंत्योदय योजना में कुछ कठिनाई आने पर उसको ठीक करने के निर्देश दिए हैं। स्वच्छ पेयजल में इंडिया मार्ग का टूनल ठीक रहे, क्योंकि बरसात का समय आ रहा है, पानी की, स्वच्छ पानी की आवश्यकता है, इसको कड़ाई से पालन करने का निर्देश हमारे द्वारा दिया गया। नगर में वाटर लॉकिंग की समस्या है। आज नगरायुक्त को स्पष्ट कहा गया है कि जल भराव और वाटर लॉकिंग से गोरखपुर को मुक्ति करावें और जो हमारे पंपिंग स्टेशन जो लगे हैं उनकी सबकी सफाई कराकर पंपिंग स्टेशन सब दुरुस्त कराएं और उन्हें चालू करने का काम करें, और उन्होंने कहा कि इसको हम ठीक भी कर रहे हैं। कूड़ा कलेक्शन भी ठीक से वार्डों में हो ताकि गंदगी ना रहे। आयुष्मान भारत योजना के जो कार्ड हैं अभी अपात्र लोगों को बन चुके हैं, पात्र लोग रह गए हैं, तो उनको मैंने जिलाधिकारी से कहा है कि ब्लॉक में शिविर लगाकर जो पात्र लोग रह गए हैं उनका चयन करें और आयुष्मान भारत योजना का यानी 5 लाख रुपए के उपचार का कार्ड उन्हें उपलब्ध कराने का काम करें। विद्युत आपूर्ति ठीक हो रही है जनपद में, 18 घंटे गांव को और 18.5 घंटे शायद तहसील स्तर को, 24 घंटे शहरों को। ट्रांसफार्मर भी 24 घंटे में बदलने के निर्देश दिए हैं, ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। वीडियो का अभाव है जिले में, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के पूरा कराने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें अभी किसानों को कुछ धन देने की बात रह गई, किसानों को नहीं मिल पाया है, उसकी खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, उन्हें दूर करें। निराश्रित गौवंश, इसको अपने नगर में कहना उपन है, वो भी अब शायद बन गया, उसको पूरा करने की बात है, जल्दी उसका माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत के द्वारा जो काजी हाउस हैं ठीक से चलाए जाएं, उन्हें बताया गया है। तो इस तरीके से और अपने सिंचाई विभाग के काम भी, क्योंकि बाढ़ ये प्रभावित संवेदनशील जिला है, बाढ़ से कोई जनहानि धनहानि ना हो, नहरों का सफल संचालन हो,
तरकुलानी रेगुलेटर काफ़ी विलंब से है, उसके लिए भी मैंने कड़ाई से कहा है कि इसको पूरा अनुपालन करें, जल्दी बनाने का काम करें। दूसरा, जो राजकीय नलकूप हैं उनमें ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहे थे, बंद लग गए हैं। नलकूप तो लग गए हैं लेकिन स्थापित नहीं, वो ट्रांसफार्मर लगने की वजह से भी चालू नहीं हो पाए, तो इन्हें लगना कराने की बात कही। दूसरा, इंडिया मार्ग का टूनल गांव में लगे लेकिन उनके चबूतरे नहीं बने, तो चबूतरे नहीं बने होंगे तो वो आच्छादित नहीं माने जाएंगे, तो उन्हें कहा कि उनके चबूतरे वगैरह जल्दी बनवाने का काम करें। तो इन खास खास बातों पर यहाँ पर मेरे द्वारा, दूसरा कानून व्यवस्था के संबंध में SSP गोरखपुर को कहा गया, थाने में आने वाले हर फरियादी की बात प्राथमिकता से सुनी जाए, रिपोर्ट लिखी जाए, रिपोर्ट छिपाने का काम नहीं किया जाए, अपराधियों को किसी हाल में छोड़ा ना जाए, अपराध करने वाला बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं, ऐसा कार्य करने को पुलिस को निर्देशित किया गया है। महिला अपराधों में हर स्तर पर कमी रहे, बस कुछ खास बातें थी। आज दूसरा, क्योंकि तीन महीने के बाद चुनाव की आचार संहिता लग गई थी, इसलिए विकास अवरुद्ध था आचार संहिता के कारण से। अब अवरुद्ध विकास की गति देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की कार्य योजना बनावे और उसे पूरा करने का काम करें। जिला अस्पताल में जापानी इंसेफेलाइटिस और सांप काटने की दवा, संक्रामक रोग और गांव में मच्छरों को ख़त्म करने के छिड़काव के लिए पूरा प्रबंध किया जाए, ऐसे निर्देश विभाग को आज दिए गए। कुछ कार्यकर्ताओं को पार्टी क्षेत्रीय कार्यालय पर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं का, चुनाव में उन्होंने बड़ी तन्मयता से निष्ठा से काम किया, तो मेरे द्वारा उनका आज स्वागत का कार्यक्रम था, मैं करके आया। और हालांकि ऐसा नहीं, मैं कार्यकर्ताओं का स्वागत किया तो आपका भी स्वागत ना करूं, क्योंकि आपका भी स्वागत करना चाहता हूं। आपने भी बहुत चुनाव में निष्पक्षता से लिखने का कहता हूं, और मुझे तो इतनी ही बात कहनी थी। आपका प्रश्न बहुत सार्थक है, क्योंकि मानसून बहुत लेट आ रहा है। हमारे पास इस समय पर्याप्त पानी है, आज ही हमने विभाग को कहा है, गुजरात में ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई है, नहरों में भी ड्रिप स्प्रिंकलर लगाते हैं, पानी का अभाव ना होने के कारण से भी हम पानी को सीमित खर्चा करें, क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए है, उत्तर प्रदेश की नदियां मर रही हैं, हर जिले में कोई ना कोई नदी समाप्त हो रही है, बरसात का पानी नदियों में जाता नहीं, गांव का पानी खेत में रुकता नहीं। तो प्रश्न आपका इसलिए बहुत गंभीर है कि पानी को संरक्षित नहीं किया गया। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि जनता, किसान बरसात का पानी अपने खेत में, अपने गांव में या नदी में जाने का उपक्रम करें। सरकार पर काफ़ी पानी है, अभी पानी की कठिनाई नहीं है, हम कोई पानी का सफल संचालन करेंगे। और आज ही हमने विभाग को कहा है कि टेल तक पानी नहीं, हम खेत तक पानी पहुंचाएंगे, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है किसान के खेत तक पानी पहुंचाने की। अभी नहरें कुछ चलवा दिए और शेष नहरों को बाद में चलवा दिए। देखिए आज ही
एम्स चालू हो, एम्स का निर्माण के कार्य का जो अधूरा अपन अभी पड़ा है चालू तो हो गया है। संबंधित जिले के और ऊपर के अधिकारी थे, जिलाधिकारी से भी कहा गया, शायद बाहर से कुछ लोग आते हैं इसको निर्माण के लिए, कुछ ऐसा बताया गया। तो हमने कहा है कि एम्स चालू तो हो गया है, दवा का डॉक्टरों का वहाँ अभाव ना रहे। दूसरा, जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज और भी हमारे जो स्वास्थ्य संबंधित इकाई हैं, क्योंकि आपने सही प्रश्न किया कि बिहार से भी यहाँ मरीजों का दबाव रहता है, तो दवाइयों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बीपी सिंह निर्माण निगम के अधिशासी अभियंता हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, उनका स्पष्टीकरण मांगा है और इसके खिलाफ फिर इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली बार मीटिंग में उनके फ़ोन को रखवा देंगे, अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, फ़ोन बाहर ही जमा करा देंगे। और कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जैसे तुरंत के हमने निर्देश दिए तो उसको वो व्हाट्सअप कर देते हैं कि माननीय प्रभारी मंत्री ने ऐसा किया है, ऐसा निर्देश दिया है, तो वो कर रहे होंगे। और मैं समझता हूँ यदि आपको आपने इसको लिया है संज्ञान में, तो अगली बैठक में उनके हम बाहर ही रखवा देंगे, अंदर नहीं करेंगे। सच में नदियों की सकल नगरों से बिगड़ रही है, और नदियाँ सुरक्षित नहीं होंगे तो नगर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। सीवर का गंदा पानी नदियों में डाला जाता है और नदी मर रही है इसलिए कि उसमें जल जंतु जो जीव जल के जीव हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। तो आज ही हमने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में जब मैंने इस विषय को उठाया था, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि नहीं, ट्रीट करके ही पानी नदियों में जाना चाहिए। यहाँ गोरखपुर में हम मॉडल के रूप में बना रहे हैं कि कुछ जो पानी है गंदा ट्रीट करके हम नदियों में डालेंगे, और इसकी योजना DPR बनाने का आज हमने निर्देशित किया है। पैसे की कोई अभाव नहीं है, पहले गंदा पानी ट्रीट करेंगे फिर नदियों में डालेंगे। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। नगर निगम ने आज अवगत कराया कि उनके पास स्थान नहीं है इस मलबे को डालने के लिए, फिर भी हमने कहा है कि स्थान के को चिन्हित करें, नदियों को गंदा करने का काम ना करें, जो अपशिष्ट केंद्र होते हैं उनको बनाएंगे वो, ताकि गंदगी इधर उधर ना फैले। आज इसको हमने बहुत कड़ाई से और गंभीरता से निर्देशित किया है। बरसात का पूरा, बाढ़ का पूरा प्रबंध कर लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मई में बैठक कर ली थी। बाढ़ से ना जनहानि होने दी जाएगी ना धनहानि होने दी जाएगी, हालांकि मैं बता नहीं रहा था, बता आपको इसको छापना भी नहीं। कल हम बाढ़ से संबंधित दौरा भी करेंगे, योग शिविर के बाद कुछ स्थान देखेंगे, बाद में हम आपको बताएंगे।